आज हम सीखेंगे परफेक्ट आलू पराठा कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप आटा ले लिया है। 2 लोगों के लिए 1.5 कप आटा काफी है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आटे और नमक को मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर इसमें करीबन 1 कप पानी डालकर धीरे धीरे आपको आटा गूंथ लेना है। आटा हमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ही ज़्यादा कड़क नहीं सानना है, जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं बस वैसे ही लगाना है। और फिर इसमें ऊपर से आप तेल लगा लें ताकि ये सूखे ना, और इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख दें। आलू के मसाले के लिए लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक, आधी कटोरी धनिया पत्ती और 1 चम्मच नमक। आप इसमें 1 बड़ा चम्मच मिर्ची, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए बना रही थी इसलिए नहीं डाली। और धनिया, लहसुन, अदरक और मिर्च को 1 चम्मच पानी के साथ डालकर मैं फाइन पेस्ट बना लूंगी। आप अमचूर पाउडर भी इसमें ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने 3 मीडियम आकार के आलू यहाँ बॉईल कर लिए हैं। याद रखिएगा कि आलू गरम बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मोस्टली लोग यही गलती कर लेते हैं कि आलू गरम ले लेते हैं। यहाँ या तो आप ठंडा या रूम टेम्परेचर का ही आलू लें और इसे अच्छे से मैश कर दें। फिर जो पेस्ट हमने पीसा हुआ था वो इसमें डाल लें। आप चाहे तो बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए जो हमने निकाले हुए थे, और ये मसाले डालकर आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें। देखिए इसमें आलू की गुठलियां बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है ताकि पराठे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएं, क्योंकि आलू के पराठे थोड़े हेवी होते हैं खाने के लिए। और इसे अजवाइन डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने एक पराठा के लिए जितना हम आटा लेते हैं नॉर्मली उतना लिया है। उसमें पहले सूखा आटा आप अच्छे से लगा लें और फिर इसे हाथ से थोड़ा सा फैला लें। इसे मैंने अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे सेंटर में रखा है और इसमें राइट हैंड से मैंने आलू डाला। देखिए ऐसे करने से आपके आलू के पराठे कभी फटेंगे नहीं साइड से। और फिर इसे लेफ्ट हैंड से मैंने इसे एक टोकरी के जैसे बना लिया है और उस हाथ से मैं उसे राउंड करते जा रही हूँ और राइट हैंड से आलू का मसाला अंदर की तरफ प्रेस करते जा रही हूँ। और आप इसे कंटिन्यू घुमाकर हमें इसमें जो मसाला है वो अच्छे से लॉक कर देना है ताकि आलू का मसाला बाहर ना निकले। और ऐसा राउंड करते हुए जो एक्स्ट्रा ऊपर का आटा आएगा आप वो उसे निकाल लीजिएगा इस तरीके से। और फिर आप इसमें फिर से सूखा आटा लगा लीजिए काफी। आप अच्छे से उसे सूखे आटे में लपेट लें ताकि हमारे जो पराठे हैं वो चिपके बिल्कुल भी ना। और फिर इसे सेंटर से आप प्रेस करिए ताकि जो मसाला है वो पराठे में चारों तरफ फैल जाए। आप इसे हाथ से ही थोड़ा सा बड़ा कर लें, इससे जो पराठे हैं वो फटेंगे नहीं बिल्कुल और अच्छे से फूलेंगे भी। और इसे इस तरीके से उसमें मैंने फिर से सूखा आटा लगाया थोड़ा। और अब इसे हल्के हाथों से आपको किनारे से बेलना है, बीच सेंटर से आप प्रेस करके बिल्कुल भी मत इसे बेलिएगा। देखिए नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ, बट मैंने कॉर्नर में प्रेशर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिया है। और हल्के हाथों से आप इसे बेलते जाएं। देखिए आप इसको कितना भी बेलेंगे ये साइड से नहीं फटेंगे। आलू भी दिखने लग गए हैं बट हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बना है। पराठा मैं जितना बड़ा चाहूँ उतना बड़ा बना सकती हूँ, पर हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल भी कहीं से भी फटेगा नहीं। और ये जब हम इसे सेकेंगे ये ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी बनेगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। तवे को मीडियम फ्लेम में गर्म होने दें और फिर इसमें पराठा डाल दें। पराठा डालते ही आप इसमें घी या तेल ना डालें। इसे पहले हम दोनों साइड से 1-1 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए मैंने ये दूसरे साइड से भी इसे 1 मिनट के लिए पका लिया है। और फिर इसे पलटने के बाद मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है।
आप ये घी या बटर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और फिर मैंने दूसरे साइड से पलट लिया है। आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स कहीं से भी फटे भी नहीं हैं, आलू भी बाहर नहीं आया है। और फिर एक चम्मच तेल मैंने और डाला है दूसरे साइड से, और ये देखिए ये कितने अच्छे से जो पराठा है वो भी फूल रहा है। ये पराठा खाने में बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। इसे आप सभी तरीके तरफ से पका लें। आलू के पराठे गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो आप इसे किसी रायता या दही के साथ परोसें। आलू के पराठे की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।